डीजी ने मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगु के दौरान कहा कि ख्वाजा साद रफीक के केस में मेरिट पर फैसला करेंगे। सब कहते हैं कि एहतसाब करें, मगर दूसरों का नैब चेहरा देखे बगैर ईमानदारी से काम कर रहा है। इससे पहले भी आपने ये देखा है कि उनका रिमांड बाकायदा अदालतों ने एक्सेप्ट किया, अदालतों ने दिया है, और उन पर एक केस नहीं है, उन पर एक से ज़्यादा केस है। उनकी तफ्तीश हमने शुरू कर दी हुई है और जो मेरिट होगा आपके सामने। आज चीमा का पैरागॉन सिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। आज चीमा के अभी तक हमारे पास जितने सबूत आ रहे हैं, वो जो भी डीजी एलडीए के तौर पे काम कर रहे थे उसकी जो उसका जो फ़ायदा उठा रहे थे वो पैरागॉन की ज़मीन की शक्ल में उठा रहे थे। इन्होंने एलडीए सिटी से भी प्लॉट लिए, तो जब ये डीजी एलडीए भी थे, पैरागॉन जो सरकारी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और उस वक्त ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और यही वो बात है जो नैब ने पकड़ी है कि काम सरकारी हो रहा है और उसके जो उसकी जो फ़ायदा है वो इनके और इनके फैमिली मेंबर्स के नाम पे जा रहे हैं। और पैसे, असल बात है, पैसे किसने दिए? पैसे पैरागॉन ने दिए। नाम किसके लगा? नाम लगा अहद चीमा और उसकी फैमिली मेंबर्स के नाम। ये है केस। ख्वाजा साद रफीक साहब के कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुए। ख्वाजा साद रफीक एक ऑनरेबल आदमी है, पॉलिटिकल फिगर।